देखते रहें न्यूज 11 खबर। मध्य प्रदेश के सतना से जहां मैहर की जिला घोषणा के बाद अमरपाटन तहसील के 56 गांव को किया गया है सम्मिलित, इस बात को लेकर ताला सर्किल स्थित ग्रामीणों में उठी विरोध की चिंगारी। बताते चले कि मैहर की जिला घोषणा के बाद अमरपाटन तहसील के 56 गांव को सम्मिलित किए जाने की बात रखी गई, जिस बात को लेकर ताला सर्किल अंतर्गत धोबाट मुकुंदपुर सहित 10 गांवों में विरोध की चिंगारी सुलगने लगी। आज ग्रामीणों ने धोबाट मुकुंदपुर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने की बात कही। सुनिए ग्रामीणों ने क्या कहा। न्यूज 11 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्षेत्र में, तो ये विरोध प्रदर्शन किस बात को लेकर आप लोग एकजुट हुए हैं? ये हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो मैहर को जिला बनाया गया है उससे काफ़ी लोगों को खुशी है, सुविधा है, लेकिन कुछ क्षेत्र के लोगों को असुविधा भी काफ़ी है, इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि मैहर यहाँ से 75 किलोमीटर है, वाहन का कोई साधन नहीं है, यातायात की कोई सुविधा नहीं है। हम लोगों को नियरेस्ट जो है रीवा है, जो यहाँ से सिर्फ 13 किलोमीटर है, 24 घंटे वाहन सुविधा है, गरीब भी अपनी साइकिल से भी जा सकता है, किसी भी साधन से आ जा सकता है। तो हम लोगों को रीवा से जोड़ना अति सुविधा युक्त है। अगर वहाँ से न जोड़ सके हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, तो हम लोगों को सतना जिला में रहने दिया जाए, और जिला बनाने के पहले आदरणीय को क्षेत्र की जनता से एक बहुमत लेना चाहिए कि आप लोगों को कहाँ सुविधा है। ऐसे मनमानी जिला बना देना बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं होगी। जिले में जोड़ दीजिए। क्षेत्र के लोग हैं आप लोग, धोबाट और मुकुंदपुर से लगे हुए जो नियरेस्ट गांव हैं, शायद उन्हीं गांव से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं, इस बात को बताइए थोड़ा सा। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो गांव है उसे रीवा जिला से जोड़ा जाए। यहाँ पे जो है तो 8-10 गांवों को इकट्ठा करके और रीवा जिला में जोड़ा जाए, जिससे हमारी यातायात सुविधा पास में पड़ेगी। हमारा जिला पास में पड़ेगा, यहाँ से 80 किलोमीटर जाने में हम लोग चले जाएंगे, लेकिन हमारे गांव के जो बेहद गरीब व्यक्ति हैं उनके आने जाने में इतना समय खर्चा होगा, टाइम लगेगा और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।